हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने बात की थी इम्प्रूवमेंट इन फूड क्वालिटी, और वो हमारी एक इमरजेंसी भी है, हमारी एक नीड भी है और कंपल्शन भी है, क्योंकि इंडिया एक पॉपुलस कंट्री है जहाँ पर पॉपुलेशन हमारी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रही है, और जो कन्वेंशनल मेथड ऑफ फूड प्रोडक्शन है वो एक पेस नहीं रख पा रही है। मींस जिस रेट पर हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उस रेट पर हमारी फूड प्रोडक्शन नहीं हो रही है। तो इसके लिए न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू मेथडोलॉजी हर वक्त साइंटिस्ट जो है खोजते रहते हैं, और उसी की एक न्यू टेक्निक है, दैट इज सिंगल सेल प्रोटीन। तो सिंगल सेल प्रोटीन मींस दैट माइक्रोब्स आर यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन, जहां माइक्रोब्स को एज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। कि हालांकि माइक्रोब्स और माइक्रोस्कोपिक दे आर सो स्मॉल बट आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग टन्स ऑफ प्रोटीन इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम एज अ बायोमास प्रोडक्शन। ऐसे तो कहने के लिए माइक्रोब्स बड़े माइन्यूट होते हैं, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन इनको इनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो छोटे से टाइम में बहुत टन्स ऑफ प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं ड्यू टू दियर हायर रेट्स ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। जस्ट लाइक मशरूम कल्चर, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट माइक्रोब्स विल सोन बी एक्सेप्टेड एज ए सोर्स ऑफ फूड। जिस तरह से आज घर घर में जो है मशरूम जो है प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, और मार्केट में आज आप डिफरेंट टाइप्स के मशरूम जो है देखते हैं, तो ऐसे ही आने वाले समय में माइक्रोब से जो फूड प्रोडक्शन की जा रही है इसको एक मेजर सोर्स ऑफ फूड एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। प्रेजेंटली स्पाइरुलिना एक एल्गल है, एक एल्गा है जिसको SCP दैट इज़ सिंगल सेल प्रोटीन के तौर पे एक्सेप्ट किया जा चुका है। ये कमर्शियली और इकोनॉमिकली बहुत एक्सेप्टेबल और बेनिफिशियल है, और सबसे बड़ी बात है कि इट इज़ इको फ्रेंडली, मींस इट डज नॉट डैमेज एनी टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। ऑल्सो इट कैन बी ग्रोन ऑन इकोनॉमिक सब्सटेंसेस, मतलब सिंगल सेल प्रोटीन जो है इनको कुछ सब्सट्रेट्स हैं जैसे वेस्ट वाटर है, पोटैटो फैक्ट्री से जो वेस्ट वाटर निकलता है, या स्ट्रॉ है, या मोलेसिस हैं, या सीवेज है, इन पर जो है इनको ग्रो किया जा सकता है। नाउ कम्स टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर भी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी एक छोटे से पार्ट को लेकर हम पूरे का पूरा एक नया प्लांट जो है डेवलप कर सकते हैं। ये इसका छोटा सा कंसेप्ट आपने मैट्रिक में भी पिछली क्लासेस में भी लिया होगा। तो वो जो पार्ट जिससे एक कंप्लीट प्लांट एक न्यूट्रिएंट मीडियम में रखे लेबोरेटरीज में जो है तैयार किया जाता है, उस पार्ट को एक्सप्लांट भी कहते हैं। एक्सप्लांट, एक्सप्लांट कैन बी ग्रोन इन स्टेराइल कंडीशंस। एक्सप्लांट को हम स्टेराइल कंडीशंस में स्पेशल न्यूट्रिएंट में डेवलप कर सकते हैं, और एक पूरा प्लांट जो है रिजेनरेट कर सकते हैं। और न्यूट्रिएंट मीडियम वो है क्या, एक कार्बन का सोर्स है जैसे सक्रोज है, ऑर्गेनिक साल्ट्स है, विटामिन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, और फाइटोक्रोम्स। बिटवीन द लाइन से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नेम द सोर्स और नेम द न्यूट्रिएंट मीडिया विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट फ्रॉम एक्स प्लांट इन लेबोरेटरी।
तो उसके लिए हमारे पास है ऑर्गेनिक सॉल्ट्स, विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स एंड फाइटोक्रोम, हेंस प्रोपोगेशन इज अचीव्ड। नाउ व्हाट इज प्रोपोगेशन? प्रोपोगेशन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एंड व्हाट इज माइक्रो प्रोपोगेशन? द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इन लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा मेदार में हम जो है थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा कंप्लीट प्लांट्स जो है प्रोड्यूस कर सकें, दैट इज़ प्रोपगेशन। और इसी प्रोसेस को माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं। और माइक्रो प्रोपगेशन से जो प्लांट्स तैयार होते हैं दे आर ऑल आइडेंटिकल, वो देखने में सब के सब एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए उनको सोमा क्लोन्स भी कहते हैं। ऑल द प्लांट्स ऑब्टेंड बाय टिश्यू कल्चर आर कॉल्ड सोमा क्लोन्स सिंस दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। उनके जीन्स अगर देखे जाएंगे तो वो आइडेंटिकल होते हैं और एग्जैक्टली सेम होते हैं जैसे उनके पेरेंट्स होते हैं। अनदर कंसेप्ट इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या किया जाता है कि दो सेल्स के प्रोटोप्लास्ट को आपस में फ्यूज किया जाता है, सेल वॉल को रिमूव करके एक सेल का प्रोटोप्लास्ट और दूसरे सेल का प्रोटोप्लास्ट, जो डिजायर्ड करेक्टर्स, जो डिजायर्ड ट्रेट्स हम चाहते हैं, उन डिजायर्ड ट्रेट्स को जो है हाइब्रिड बनाया जाता है और रिजल्टिंग सेल जो है उसको हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। और नया प्लांट जो तैयार होता है उसको सोमैटिक हाइब्रिड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सोमैटिक सेल्स को हाइब्रिडाइज करते जा रहे हैं। हमारे पास बढ़िया एग्जांपल है प्रोटोप्लास्ट ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो हैव बीन एक्चुअली फ्यूज टू फॉर्म अ पोमेटो। पोटैटो का प्रोटोप्लास्ट और टोमेटो के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करके एक हाइब्रिड तैयार किया गया जिसको हम पोमेटो कहते हैं। लेकिन ये प्लांट कमर्शियली जो है वायबल नहीं हो पाया क्योंकि डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इसमें ना आ पाए। अब ये जो टिश्यू कल्चर है इसका एप्लीकेशंस क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसका यूज़ क्या है? मैनी इंपॉर्टेंट प्लांट्स लाइक एप्पल, बनाना, टोमेटो हैव बीन ग्रोन इन द लेबोरेटरी बाई यूजिंग दिस मेथड। एप्पल्स हैं, बनाना हैं, टोमेटो, इनको लार्ज स्केल पर जो है लेबोरेटरी में जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर।